मध्य प्रदेश के मंदसौर, उज्जैन व अन्य जिलों में इस बार लहसुन की बंपर पैदावार हुई है। हालांकि अच्छी उपज होने के बावजूद किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। दरअसल मंडी में लहसुन का रेट लागत मूल्य से भी कम मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक मंदसौर कृषि उपज मंडी में उज्जैन जिले से लेकर पड़ोसी राज्य राजस्थान के झालावाड़ से भी किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि यहाँ उपज के अच्छे भाव मिलते हैं, लेकिन लहसुन के किसानों को यहाँ उपज लाना भारी पड़ रहा है क्योंकि व्यापारी रेट चढ़ने नहीं दे रहे हैं और उन्हें लागत मूल्य से भी कम दाम मिल रहा है। यहाँ लहसुन का रेट 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये क्विंटल तक रहा है, जबकि मंदसौर में ही खुले में लहसुन 80 से 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बीते शनिवार यहाँ एक किसान ने जय जवान जय किसान और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मंडी के भीतर अपनी ही उपज में आग लगा दिया था। मिली जानकारी के अनुसार आग लगाने वाला किसान उपज की सही कीमत नहीं मिलने से परेशान था। उज्जैन जिले के देवली गांव का ये किसान मंदसौर के कृषि उपज मंडी में लहसुन बेचने के लिए लेकर आया था, लेकिन उसको लहसुन की कीमत सिर्फ 1100 रुपये प्रति क्विंटल ही मिली, जबकि उज्जैन से उपज लाने में खर्च ही 5000 रुपये हो गया था। किसान के मुताबिक उन्होंने लहसुन की फसल में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च किया था, लेकिन रेट के हिसाब से उन्हें महज 1 लाख रुपए ही मिल रहा था। ऐसे में उन्हें 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।